नहीं कोई और कुछ बन रहा है पता नहीं। अरे हमारे भी कोई कनेक्टेड है क्या? देखो मैं तो नहीं, ये इसी से आवाज दे रहा है, मैं तो नहीं। प्रिंसिपल डीपी उत्तर कॉलेज वो जगह है क्या?
हेलो हेलो हाँ या तो हो हेलो इको हो रहा है सर।
हेलो अभी आ रही है, हेलो अभी आ रही है प्रॉपर। हाँ अभी भी दिक्कत आ रही है, इको हो रहा है, डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, फिर से बाहर निकलूंगा, बाहर निकलूंगा। हेलो हेलो हां ये आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, ये आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। कहीं से ना एक और आवाज आ रही है, देखती हूँ मैं कहाँ से कनेक्टेड है। हेडफोन अगर है तो कनेक्ट करो आप अपने लैपटॉप से, कनेक्ट करो आप अपने लैपटॉप से। सर नमस्कार, क्या हाल है विक्टर जी? नमस्कार, क्या हाल है विक्टर जी? सब लोग जुड़ गए हैं कि अभी बचे हैं लोग? अभी सर थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेगा, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। ओके, मैं फिर 5-10 मिनट बाद ऑन करता हूं, ठीक है? जी सर प्लीज, ठीक है? जी सर प्लीज अब ठीक है। कौन सा? हाँ, अच्छा, दो प्रिंसिपल से। हाँ ठीक है अब ठीक है। वो एक्चुअल में डबल लॉगिन हो गया था ऐसा लगता है। ऋचा मैडम के बाद ना उनको जोड़ देना, त्रिपाठी सर को कहीं रास्ते में है। हेलो मैडम के बाद त्रिपाठी सर को जोड़ देना। नहीं वो उनका ये है, वो जुड़ेंगे, वो फिर से पास आएंगे, साथ में है वो। हाँ उनका नंबर दिया ना मैडम, खत्म होगा उनको जोड़ देना। हाँ जोड़ा देना, ठीक है सर। चालू कर मणि सर तो अभी रास्ते में है बोल रहे हैं, और प्रभु सर का वो कितने बजे उनका कोई दिक्कत तो नहीं करने का। और उसके अलावा तुम पर राजकुमार अग्रवाल सर बोल हाँ बेटा मैं अभी देख रहा हूँ, है ना? बस
अलग थी है आवाज कैसे आएगा।
ये है ऑन 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 ये कौन देख रहे हैं ये एम है नॉर्मल कमा ये एक है एमएस हाँ ये तो मैडम बोल रहे हैं ये है क्या माइक ये तो बीपीएस स्कूल आ गया कॉलेज साइलेंट कर दो माइके सब साइलेंट है आ चुका है क्या रघु लिखा आ रहा है लग रहा है चलो अपन सुधार देते हैं ज्यादा इरेज कर देंगे चलो नहीं मैं मैडम बोलती तो आ जाता हेलो मैं बोल रहा हूँ कैसे आएगा उनको पता आप बोल रहे हैं वो तो जा रहे हैं विक्टर जी आवाज आ रही है क्या अच्छा अभी अभी ऑन नहीं हुआ है ठीक है हूँ ठीक है ओके सर बस स्टार्ट कर रहे हैं दो मिनट में अच्छा ठीक है तो मैं ऑन रहने देता हाँ जी आ रहे
हमारे साथ सुनाई दे आपको मैडम शुरू करा दीजिए सर एक्चुअली ट्रेवल कर रहे हैं मैडम का नाम क्या
धनबाद डीपी दीप्त महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा मानव सभ्यता और गांधी दर्शन पर आयोजित इस वेबिनार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में संबद्ध माननीय श्री टी आर प्रभु जी अत्यंत यशस्वी श्री शैलेश पांडे जी माननीय विधायक श्री अनुराग शुक्ला जी मुख्य संरक्षक श्री राजकुमार अग्रवाल जी परामर्शदाता संरक्षक डॉक्टर श्रीमती अंजू शुक्ला जी इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य इस महाविद्यालय के सभी दक्ष शिक्षकगण शिक्षिकागण आयोजन समिति के सदस्यगण डॉक्टर एम एल जायसवाल डॉक्टर सुरेश अम्बलकर प्रोफेसर ए श्रीराम डॉक्टर मनीष तिवारी जिन्होंने संपर्क किया था डॉक्टर एम एस तंबोली डॉक्टर आशीष शर्मा डॉक्टर आभा तिवारी प्रोफेसर किरण दुबे प्रोफेसर प्रदीप जायसवाल जी तकनीकी सदस्य प्रोफेसर विश्वास विक्टर प्रोफेसर ऋचा हांडा एवं अन्य सभी महानुभाव देवियों सज्जनों जो आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं हमारा टेक्निकल स्टाफ जो हमारे साथ पीएस चल रहे हैं और वे सभी लोग जिनकी गांधी दर्शन में रुचि है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन जिनके दर्शन के संदर्भ में यह वेबिनार आयोजित है वस्तुतः गांधी दर्शन की पहुंच और परिक्षेत्र अत्यंत व्यापक है और उसकी व्यापकता में मानव जीवन मानव कर्म मानव धर्म और मानव सभ्यता के सभी क्षेत्र समाहित है जीवन की कोई ऐसी विधा नहीं है और संसार का कोई ऐसा विषय नहीं है जो गांधी दर्शन से आच्छादित ना हो प्रभावित ना हो व्यक्ति का उन्नयन कैसे हो और अंतर्राष्ट्रीय शांति कैसे बनी रहे सभी विषयों पर गांधी ने सम्यक रूप से विचार किया है इसलिए गांधी मनुष्य से महात्मा के रूप में दिखलाई शून्य से शिखर पर आसीन होकर हमें संबोधित करते हैं और अहिंसा के माध्यम से अधेय होकर हमें संदेश देते हैं कि भारतीय परंपरा भारतीय विचारधारा और भारतीय व्यवस्था इस समाज के इस संसार के और इस व्यवस्था के सभी समस्याओं का समाधान अपने में निहित किए हुए है मान्यता क्या है सत्य प्रेम अहिंसा ये तीन उनके सूत्र हैं सहजता सरलता साहचर्य सौमनस्यता सहिष्णुता ये गांधी दर्शन के सूत्र हैं गांधी जी स्वदेशी स्वभाषा स्वराज और स्वावलंबन सब पर विशेष ध्यान गांधी का जीवन मानव सभ्यता के विकास क्रम को इंगित भी करता है अभिव्यक्त भी करता है मानव सभ्यता मूल्यों से संचालित और ये मूल्य है सत्यवादिता के ये मूल्य है सक्रियता के ये मूल्य है श्रम साधना के और ये मूल्य है सत्य पथ पर चलने के ये मूल्य है समर्पण के और ये मूल्य है राष्ट्र और ये मूल्य है उन्मुक्ति के इसीलिए आप परिग्रह स्थित ऐसे विषय भी गांधी के दर्शन में सरल समाहित हो जाते हैं हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं जिनसे हमारे मूल्य स्थापित हुए जिनसे हमारी सभ्यता विकसित हुई जिनसे हमारी संस्कृति प्रवाहित होती है उसमें सत्य प्रेम और करुणा अहिंसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे यहाँ तो सत्य को साक्षात ईश्वर मान लिया गया है सत्य ही नारायण है आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ तो सत्य में ही सब कुछ नहीं और जो सत्य का आग्रही होगा वह सहज साधारण व्यक्ति नहीं गांधी निरंतर सत्य पथ पर चलते हैं अगर हम स्वयं अपना मूल्यांकन करें तो हम सोच सकते हैं दिन भर में क्या हम सदा सत्य के साथ ही रहते हैं कभी न कभी विक्षेप अवश्य होता है गांधी इकलौते इंसान है
जो सत्य पद से कभी डिगे नहीं, हटे नहीं और न ही कोई जल्दी सत्य की बहुत करता है। हमारे शास्त्रों में भी सत्य को लेकर बहुत कुछ है। हमारे यहाँ मानस में सत्य के लिए संदर्भ आता है, धर्म नबूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही। ईश्वर स्वयं में सत्य है और उस सत्य के प्रति आस्था, आग्रह और अनुनय विनय का भाव लेकर गांधी चलते हैं, इसलिए उनका पूरा जीवन ही सत्य के साथ ही प्रयोग है। एक लेखक, एक विचारक, एक समाज सुधारक, एक दार्शनिक, आप जिस रूप में देखें गांधी आपको दिखलाएंगे। गांधी ने कहा कि लगाव का सूत्र करुणा है और करुणा तो उसके अंदर होती है जो निष्कलुष निष्पाप होता है। गांधी निष्कलुष निष्पाप है, जिनके चेहरे पर इनोसेंस है, अर्थात कोई छल प्रपंच नहीं। ऐसा छल प्रपंच मुक्त व्यक्ति ही करुणाशील व्यक्ति होता है और इसीलिए हमारे यहाँ ईश्वर को ही करुणा सागर कहा जाता है। उस पद पर चलते हैं गांधी। आजकल आप लोग दलाई लामा को देखते होंगे, जिनके चेहरे से इनोसेंस झलकता है, पवित्रता, शुचिता, ये सारे सिद्धांत गांधी के दर्शन में है और यही हमारी सभ्यता के मूल तत्व भी है। अहिंसा अर्थात प्रेम का भाव, करुणा का निष्पादन, उसे अहिंसा कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है अहिंसा परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त की उच्चा, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों और स्मृतियों में कहा गया। मानस में भी कहा परम धर्म श्रुत विरित अहिंसा, ऐसा श्रुतियों से विरित है कि अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा से अजेय होने का उपाय गांधी जी ने बताया। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते समय जब अंग्रेजों ने उन्हें टिकट होने के बाद भी प्रथम श्रेणी से वैन कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहा और नहीं माने तो उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर उठा दिया। वह युवा थे, उनके अंदर आक्रोश हो सकता था लेकिन उन्हें आक्रोश व्यक्त नहीं, एक संकल्प लिया कि हमको तो ट्रेन से उतारा और तुमको जो ये असीमित विशालतम साम्राज्य दिख रहा है उसकी गद्दी से नहीं उतार दिया तो गांधी मेरा नाम नहीं। गांधी ने अफ्रीका में भी जन सेवा की, मनुष्य सेवा की। वहां सफाई पर कितना ध्यान दिया गांधी ने, जो हमारे मूल्य में नहीं था। हमको देवालय में स्वच्छ होकर ही था। हमारे यहाँ तो सर्वत्र देवालय देव की स्थापना का भाव रहता है, सब जगह ईश्वर विद्यमान है, कर कर में, रोजगार में, सर्वत्र ईश्वर, और इस स्थान को मैं स्वच्छ ही रखता। यह भाव लेकर भारत में आए गांधी जी, फिर यहाँ राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिमान बने। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन बना दिया और ये सीख दी कि सबसे बड़ी व्यवस्था सुविधा वह होती है जिसे स्वतंत्रता की व्यवस्था और स्वतंत्रता की सुविधा कहते हैं। स्वराज अर्थात बंधन मुक्त व्यवस्था, और इस कड़ी में उन्होंने वह सब कुछ किया जो हिंदुस्तान की मुक्ति का समय के साथ कारण बना। वायस गांधी जी भारतीय मानस को पहचानते थे। हमारे यहाँ कहावत है कि हम जिसका नमक खाएं उसका कभी विरोध ना करें। गांधी जी ने कहा यह नमक तो हिंदुस्तान का है, यह नमक तो हमें प्रकृति ने दिया है, हम स्वयं अपना नमक बना सकते हैं। इसलिए नमक आंदोलन चलाया, लोगों के मन में भाव भरा कि सब कुछ आपका है और आपके स्वत्व पर ब्रिटानी हुकूमत ने नियंत्रण स्थापित कर लिया है, उसके विरुद्ध हमें खड़ा। जब ऐसा लगा कि आंदोलन के क्रम में ब्रिटिश सेना बर्बर व्यवहार करेगी तो गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक लिया चौरी चौरा कांड के बाद, क्योंकि उन्हें पता था उस सेना में सिपाहियों में हिंदुस्तानी लोग थे, तो हिंदुस्तानियों की गोली से हिंदुस्तानी मरे यह ठीक नहीं। दूसरा, किसी भी भारतीय का मरना गांधी को स्वीकार्य नहीं, उन्हें लगता था कि हर भारतीय गांधी की तरह है। हमारी व्यवस्था में त्याग का बहुत महत्व होता है, हमारे दर्शन में ऐसा नहीं। हमारा दर्शन जो भारतीय दर्शन जिसे कहते हैं, और भारतीय दर्शन की विशाल परंपरा हमारे उपनिषदों में दी है। ईसावास्योपनिषद में लिखा है
ओम पिशावासिनम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुंदीता मा गृह कश्चिदनम। अर्थात कर्ण कर्ण में सर्वत्र ईश्वर की व्याप्ति है, हमें त्यागपूर्ण भोग करना चाहिए और किसी अन्य के सामग्री पर संपत्ति पर हमें दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। गांधी ने कहा यही ट्रस्टीशिप सिद्धांत है संपत्ति का, जिसे लेकर हमें चलना चाहिए। हम संपत्ति का सृजन करें लेकिन उसका उपभोग सामाजिक संदर्भ में होना चाहिए। अर्थात जो उपभोग है वह समाज के हित के संदर्भ में होना चाहिए। यह हमारी सभ्यता का संदर्भ है, हम भी खाएं औरों को खिलाएं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। अर्थात हम औरों का भी सहयोग करें, औरों का भी ध्यान रखें। यह हमारी औपनिवेशिक परंपरा है, हमारी सभ्यता का मूल इसी में थी। हमारी सभ्यता में कर्म का सिद्धांत है, श्रम का सिद्धांत है। गीता में लिखा है कर्म लीलाधि कारणते मां पुलिस प्रार्थना मां कर्म फल हेतु भूमापि संगोष्ठ कर्मी। अर्थात कर्म करना हमारा अधिकार है और इस अधिकार का पालन करना है। गांधी ने भी निरंतर कर्म के सिद्धांत पर बल दिया और ये हमारी सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको गांधी जी बार बार करते हैं। अरे नबी तो क्या है उद्यमैन ये सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्त से संघर्ष प्रविशंति मुखेन्द्र ज्ञान। उद्यम से ही मनोरथ सिद्ध होते हैं, केवल कामना करने से। गांधी ने कहा कि हमें जीवता चलाने करना ही चाहिए और इस जीविका और श्रम के संबंध को उन्होंने ब्रेड लेबर की संज्ञा दी। जो व्यक्ति जीविका चलाने के लिए श्रम नहीं करता तो वास्तव में अच्छा व्यक्ति नहीं। हमें प्रकृति ने दो हाथ दिए हैं, वह श्रम करने के लिए दिए हैं और जो बिना श्रम के धन का संचय करता है वह पाप करता है। गांधी ने सात महापापों की चर्चा की है जिसमें एक है वेल्थ विदाउट वर्क, बिना कार्य के संपत्ति का अर्जन यह पाप है। इसलिए गांधी ने निरंतर श्रम करने का संकल्प। गांधी मनुष्य और मशीन दोनों के संबंधों पर भी ध्यान, उनका कहना था कि मशीन मनुष्य नियंत्रित होना चाहिए। गांधी मशीनों के विरोधी नहीं थे, विज्ञान के विरोधी नहीं थे, लेकिन मशीन और विज्ञान की एक सीमा निर्धारित करना चाहिए थे। उनका चरखा स्वयं विज्ञान का ही प्रतीक है। गांधी ने कहा कि हमें वह मशीन प्रिय है, वह उद्योग प्रिय है जो झोपड़ी में भी उजाला देता है, वह उद्योग प्रिय है जो लोगों को रोजगार का अवसर देता है, लेकिन ऐसे मशीन ऐसा उद्योग हमें प्रिय नहीं है जो समाज में विभेद करता है, जो सोशलवादी व्यवस्था सृजित करता है। हमें ऐसे मशीनों की जरूरत नहीं। अर्थात श्रम और मशीन दोनों में समन्वय करना चाहते थे। इसीलिए गांधी जी कहते थे विकेंद्रित उत्पादन होना चाहिए और न्यायुक्त वितरण होना चाहिए। यह न्यायुक्त वितरण हमारी सभ्यता का हिस्सा है कि हमारी पूरी व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था रही है, न्याय आधारित व्यवस्था रही है। गांधी जी कहते थे कि हमारे गांव में बहुत पहले से गणतांत्रिक परंपरा है और हमारे गांव आत्मनिर्भर है। गांधी ने पंचायती राज सिद्धांत देते हुए कहा कि ग्राम स्वावलंबन को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो सत्ता का विकेंद्रित स्वरूप सामने आएगा और हमारा गणतंत्रात्मक स्वराज्य ठीक उसी मुकाम पर पहुंचेगा जैसा हम प्राचीन काल में थे। हमारे यहाँ ऋग्वेद में अथर्ववेद में गण शब्द का उल्लेख है और गणतंत्र हमारा पुरातन सिद्धांत है, किसी नई व्यवस्था की देन नहीं। गणतंत्र की सफलता के सूत्र है जल्दी जल्दी सभाएं कर लेना, अधिक से अधिक लोगों से मिल लेना, विधियों का पालन करना, महिलाओं का सम्मान करना, प्रकृति का बंधन करना, और यह सब हमारे सभ्यता संस्कृति में समाहित है। भारतीय संस्कृति उदार्थ परंपरा की है, इसमें लैंगिक समानता है, प्रकृति बंधन है, जिसके बारे में गांधी बार बार आग्रह करते हैं। महिलाओं को हमेशा उचित सम्मान देना चाहिए, हमें प्रकृति से सामिप्य रखना चाहिए। हमारे दर्शन में है प्रकृति की वंदना और इसका हम निरंतर ध्यान रखते हैं। आप सभी जानते हर घर में तुलसी वृक्ष भी वंदनीय है हमारी व्यवस्था में, और आज कोविड 19 का जो दौर है
वही लोग ज्यादा सुरक्षित हैं जो प्रकृति के बहुत ज्यादा समीप हैं। इसलिए गांधी जब आगे अपने दर्शन में राम राज्य समाहित करते हैं तो उनका यही भाव होता है कि एक ऐसी व्यवस्था बने जो पूर्ण आत्मनिर्भर व्यवस्था, पूर्ण स्वावलंबन की व्यवस्था हो, स्वतंत्रता की, जिसमें स्वदेशी हो। हम अपने परिवेश से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हम बाहर से आग्रह न करें। जिसके लिए माननीय मोदी जी आजकल कहते हैं बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक फॉर लोकल ग्लोबल, जिसके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है और इस शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी है। गांधी जी हमेशा इसको लेकर चलते थे, बुनियादी शिक्षा से लेकर शिखर की शिक्षा तक के माध्यम से व्यापक परिवर्तन आ सकता है, सामाजिक कुरीतियों का निराकरण किया जा सकता है और इस राष्ट्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना सकता है। क्योंकि जिस देश में राम राज्य की कल्पना हो वह दुनिया का महानतम राष्ट्र ही होगा, जहाँ सबके लिए सम्मान हो, सबके लिए स्थान हो, सबकी एक विशेष पहचान हो, कहा कोई बीमार ना हो, पारस्परिक वैमनस्य नाम का शब्द ना हो। ऐसा राज्य ही राम राज्य होता है, जहाँ सभी सुखी होते हैं और सभी प्रबुद्ध हो, सबकी राज्य में आस्था होती है, लोक में आस्था होती है और सब लोक कल्याण की बात करते हैं और सब पूरी धरा को ही परिवार मानते हैं। हमारे यहाँ सर्ववंश सत्ता का सिद्धांत है और पूरी धरा को परिवार मानने का सिद्धांत है। गांधी जब अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करते हैं तो उनके मन में महोपनिषद का सिद्धांत होता है, जो हमारे दर्शन का एक अवलंब माना जाता है। अयम निज पुरोगेति गणनालोचेत उदार सेता नाम तू बसदैव कुटुंबकम्। जब पूरी धरा ही परिवार होगी तो विश्व शांति निश्चित रूप से बनी रहे। आज दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान गांधी के दर्शन में स्थित है। आइए हम गांधी का पुनः नमन करें। आप सभी ने एक महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आ गए ना वीडियो? आ रही है अच्छा बोलो। धन्यवाद रिजा मैडम, आज हमारे धन्यवाद महाविद्यालय महात्मा गांधी जी के 171वें जन्म दिवस के अवसर पर एक भव्य वेबिनार का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
हेलो 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 आ रहा है आवाज। अब शुरू से बोलो क्या? हेलो हेलो शुरू से बोलो। हेलो हेलो हमारे जो के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे महाविद्यालय शासी निकाय के अध्यक्ष परम सज्जे अनुराग शुक्ला जी और हमारे कार्यक्रम के परामर्शदाता संरक्षक हमारे मार्गदर्शक है हमारे महाविद्यालय प्रशासन समिति के दानदाता सदस्य परम सज्जे राजकुमार अग्रवाल जी और आज के इस कार्यक्रम के और सहयोगी प्राध्यापक वृंद है अम्बलकर सर है अजयसवाल सर है मनीष तिवारी है तंबोली सर है आभा मैडम है और जो हमारे विश्वास विक्टर जी हैं ऋचा खंडा है इन सब के सहयोग से और आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए परम सम्माननीय हमारे और आचार्य वृंद छात्रगण और सम्माननीय और नगर के और बाहर के अतिथिगण आप सब लोगों के लिए यह वेबिनार आयोजित किया गया है। आ रहा है वर्ड सारी विश्व में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आया था जिसमें आवाज कट रहा था इसलिए थोड़ा व्यवधान आया होगा। देखिए आज हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनका 171वां अवतरण दिवस है और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता माने गए हैं और महात्मा गांधी शब्द कहने से ही ऐसा लगता है कि वो समाज सुधारक सामाजिक क्रांति के जनक युग प्रणेता पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व उनके समाज और संस्कृति के प्रति प्रेम और उनका समाज के उद्धार के लिए दीनहीन की लोगों के लिए गिरे पड़े लोगों के लिए जो प्रेम था उसके बारे में कुछ कहना बहुत ही कठिन है क्योंकि वो सर्व मान्य ऐसे व्यक्ति हैं जिनका की व्यक्तित्व राजनीतिक आर्थिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक और ऐसा कोई भी क्षेत्र न हो जहां पर उनका योगदान अछूता रहा हो। मुझको तो ऐसा लगता है कि गांधी जी केवल भारत देश के ही नेता नहीं थे अपितु वो विश्वव्यापी नेता थे। उनका अदम्य साहस अद्भुत कार्य प्रणाली सत्यनिष्ठ प्रवृत्ति अहिंसा के पुजारी करुणावतार प्रेमावतार दीन दुखों के साथी प्रतिरोधात्मक शक्ति से भरे हुए मात्र शक्ति के पुजारी सरल सहज सादा जीवन उच्च विचार से लबालब ग्रामीण जनजीवन के परम मित्र दरिद्र नारायण परम वैष्णव भारत माता के लाडले अपने स्वतः कर्म से महात्मा एवं राष्ट्रपिता के पदवी से विभूषित महात्मा गांधी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी दुराग्रह पर विश्वास नहीं किए। गांधी जी का सिद्धांत सत्य पर आधारित था। गांधी जी के लिए राजगोपालाचारी जी ने कहा भी कि गांधी जी ने कोई नई अवधारणा नहीं दी बल्कि शाश्वत और चिरंतन समाज के लिए जो आवश्यक मूल्य है सत्य अहिंसा रूप में
परमार्जित रूप में पूरे अपने आध्यात्मिक बल और साहस के साथ उन्होंने अभिव्यक्त किया और वही भारत में गांधीवाद के नाम से चला। तो गांधी जी के सिद्धांत के प्रमुख आधार थे सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। और किसी भी समाज के विकास के लिए यदि हम केवल विकास की बात करते हैं तो जिसमें आज की जो एक विकास की अवधारणा है कि उपनिवेशवाद है या बाजारवाद है या भौतिकवाद है या स्वार्थवाद है या झूठ और व्यक्तिगत स्वार्थ लिप्सा से भरा हुआ जो विकास की बात करते हैं, उनको गांधी जी विकास नहीं मानते थे। वो कहते थे कि विकास का मतलब होता है विकास का वह रास्ता जिसमें समाज कल्याण का भाव जुड़ा हुआ हो और समाज का कल्याण इसी पर होगा। गांधी जी के सिद्धांत के प्रमुख कुछ एकादश सिद्धांत कहा जाता है कि जैसे सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है, अस्वाद है, अभय है और अस्पृश्यता निवारण है, शारीरिक श्रम है और स्वदेशी। ये 11 सिद्धांत को लेकर के उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया और वो कहते थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके जो हम रचनात्मक कार्य करेंगे, चाहे वह कौमी एकता हो, चाहे खादी ग्रामोद्योग हो, चाहे अस्पृश्यता निवारण हो, चाहे बुनियादी शिक्षा हो, चाहे नैतिक शिक्षा की बात हो या वह हिंदी राष्ट्रभाषा के विकास की बात हो या विद्यार्थियों के विकास की बात हो या कुष्ठ रोगियों की सेवा हो या मद्य निषेध हो, ये सभी कामों को यदि इस रास्ते से करते हैं तो वही भारत के लिए असली स्वराज्य होगा। गांधी जी ऐसे स्वराज्य की कल्पना करते थे, ग्राम स्वराज्य की बात करते थे। मतलब गांधी जी दूरदृष्टा थे, वे जानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जो कि जनसंख्या बाहुल्य जहाँ पर ज्यादा है, जहाँ पर संसाधन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि अभी लंबे दिनों तक गुलाम थे, हमारे पास अपनी शिक्षा नहीं है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी हमें पूर्ण बल के साथ आगे बढ़ाना है, इसलिए वो चाहते थे कि ग्राम स्वराज्य की बात करो। हमारी जनसंख्या ग्राम में फैली हुई है, यह जो 7 लाख गांव हमारे हैं वही भारत देश है और उनका विकास ही असली विकास होगा। और सचमुच में आज इतने केवल 70 साल भारत की आजादी के बाद ये लगने लगा है कि आज विकास के नाम पर कैसी भयावह स्थिति देश में हो रही है। हम अपनी सबसे श्यामला जो भूमि है, जिसको हम सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम करके जिस भारत माता की प्रार्थना करते हैं, उस भारत माता में और उस भारत माता की जो प्रकृति है, जो उसके पर्यावरण है, जो उसके प्राकृतिक संपदा है, उसको किस कदर हम विनाश की तरफ आगे ले जा रहे हैं, चाहे वह हिमालय पर्वत हो, चाहे वह गंधमादन पर्वत हो हिमालय से लेकर के, चाहे वह विंध्याचल हो, हम समस्त जगह पर से सेशाद्री पर्वत हो, दक्षिण के जाबे तक करके ताबड़तोड़ तोड़ फुड़ की स्थिति बचा दिए हैं। हमारे वन और जंगल नष्ट प्राय हो रहे हैं, जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं और हमारे जो जीवन दायिनी हमारी नदियां है जिसे हम माँ कहते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, क्षिप्रा, सरयू जैसी नदियां मृत प्राय हो रही है। गांधी जी का सिद्धांत यही बताने के लिए वो कहते थे कि ग्राम स्वराज्य की बात करो, कुटीर उद्योग की बात करो, खादी ग्रामोद्योग की बात करो, ताकि पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव ना हो। हम छोटे छोटे चीज के लिए, हम एक तेल के लिए, एक शैम्पू के लिए, एक साबुन के लिए बड़े बड़े उद्योग की स्थापना कर रहे हैं और जहां पर 10 रुपया से लेकर के हम 1000 और 10000 तक की शैम्पू खरीद रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता क्या कि गांधी जी जो सपना देखे थे क्या वही भारत है? यह तो केवल 10% लोगों के हाथ का खिलौना बना करके हमारा देश रह गया, हम राजनीतिक गुलामी से मुक्ति पा गए, लेकिन आज हमारा देश आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, ज्ञान के रूप से एक तरफ रहा है पूर्ण रूप से आजादी के लिए, क्योंकि विदेशी कंपनियां लूट मचाई है। ब्रांडेड के नाम पर हम देखते हैं कि जो चीज 10 रुपए का है वो 100 रुपए में बिक रहा है। और गांधी जी इसी बात के लिए चेतावनी दे रहे थे कि हम जो चरखा की बात करते हैं, चरखा ज्ञान की बात है,
हमें ज्ञान के रूप में आत्मनिर्भर होना होगा। और चरखा के साथ वो सूत की बात कहते थे कि जो हमारे रॉ मटेरियल हमारा है, कच्चा माल हमारा है, और फिर भी हम दरिद्र नारायण हैं। हमारे पास इतनी संपदा है, फिर भी हम दरिद्र नारायण हैं। क्यों? इसलिए कि हम अपनी सोच को अपनी सभ्यता से परे कर लिए। भारतीय सभ्यता का सिद्धांत रहा, अभी माननीय कुलपति जी उदाहरण दे रहे थे कि ईसा वास्यम जगत सर्वम, कि यह संसार में जो कुछ है वह समस्त संसार में ईसा वास्यम जगत सर्वम, जगत यत किंचित जगत त्याम जगत तेन तक्तेत भुंजी था मा दृढ़ कस्य विश्वधनम, इस संसार में जो कुछ है वो समस्त ईश्वर से व्याप्त है। और इसलिए इसका उपभोग करते हो तो किस लिए? आप त्याग की भावना से इसका उपभोग कीजिए। इसके बहुत विस्तृत व्याख्या हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। और हमारा जो देश है वो त्याग की प्रवृत्ति पर बल दिया, मौलिक ज्ञान की प्रवृत्ति पर बल दिया, शोध की प्रवृत्ति पर। यहाँ हमें मैकाले की शिक्षा की आवश्यकता आज नहीं है कि केवल हम बाबूगिरी को या क्लर्क गिरी जैसे शिक्षा दें। आपको हमें अपने बच्चों को शिक्षा देना होगा। जैसे ही हम पेपर पढ़ते हैं या समाचार पढ़ते हैं, टीवी खोलते हैं, तो कितना तकलीफ होता है कि जिस भारत में दधीची और श्री जैसे राजा हुए, दधीची ने जनहित के लिए समाज हित के लिए अपना हड्डी दान कर दिया और श्री ने पक्षी की रक्षा के लिए अपना मांस दान कर दिया। उस देश में हम आराम से पेपर पढ़ते रहते हैं कि कहीं पर 100 लोगों की हत्या हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं सामूहिक बलात्कार हो गया, और हमारे हृदय में किसी प्रकार के संवेदना का भी संचार नहीं होता। तो ये हमारी पुरानी मानवीय सभ्यता नहीं है। गांधी जी चाहते थे कि वही सभ्यता सर्वभूत हिते रता की जो बात गीता में कही गई है। और गांधी जी कहते थे कि हमें अपना स्वराज्य चाहिए, हमें दूसरे का स्वराज्य नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, जिस समय लॉर्ड इरविन के सभा में गांधी जी गए और उनके पोशाक पर जब टिप्पणी की गई तो उन्होंने बेबाक जवाब दिया। और गांधी जी ने यह भी कहा कि जैसे गीता में कहा गया कि स्वधर्म, जो स्वधर्म है वो परधर्म भयावह, स्वधर्म में श्रेयस करो निर्धन, मतलब मरना अच्छा है लेकिन दूसरे धर्म को अपनाना भयावह होता है। ऐसे ही गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था कि आपका शासन सुशासन हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन विदेशी शासन से बहुत अच्छा अपना शासन होता है। आप लोग हमारे देश में बिना कारण के और बिना अधिकार के अधिकार जैसा लगाए बैठे हैं। आपको हमारे देश से जाना होगा, हमें स्वतंत्र करना होगा, और हम अपने ही शासन को सुशासन कहेंगे। यही सत्य है और इसी सत्य का आग्रह मैं बार बार करूंगा। तो इस प्रकार वो सत्यनिष्ठ थे, सत्य की आग्रह पर बल देते थे। वो कहते थे कि हमारे मन में अपने ही लोगों के प्रति, अपने ही जाति, अपने ही धर्म, अपने ही के बीच में जो भेदभाव का बीज बोया जा रहा है वो गलत है। उस सद्भावना पर बल देते थे कि हम भारत माता के संतान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर हम भेद नहीं कर सकते। स्त्री शक्ति पर उन्होंने बल दिया और मुझको तो लगता है कि उन्हीं के सद्भावना, उन्हीं के प्रयास के कारण से भारत ने विश्व को एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान में जाति को लेकर, धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, लिंग को लेकर के किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। यहाँ तक कि जो मताधिकार का अधिकार है वो चाहे वह एक राष्ट्रपति हो या एक सामान्य जनता हो, आम जनता हो, दोनों के मताधिकार का समान महत्व है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के मताधिकार का समान महत्व है। ये गांधी जी के ही सोच का देन है। और आज भी गांधी जी जो मध्य निषेध की बात करते थे, समाज सुधार की बात करते थे, अंग्रेज आए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया, भारत माता को दो भागों में उन्होंने बंटवाने में अपनी कुटिल प्रवृत्ति का प्रयोग किया और हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ गया। और हम आज भी उस घाव को झेल रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उस विद्वेष के कारण से दोनों देश विभिन्न प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसी समय हमको जातिवाद के आधार पर लड़ाया जाता था, लेकिन गांधी जी ने एक बात को जाना कि हम जितने भी लोग यहाँ पर है, हिंदू एक है। वो उसी समय अस्पृश्यता निवारण की बात आ रही थी,
उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मैं और मेरा जो हरिजन भाई है, हम एक है, हमारा खून एक है, हमारा खान पान एक, रहन सहन एक, हमारे राम एक, हमारी गंगा जल एक, हमारी गीता एक, फिर हम अलग कैसे होंगे, और हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो गांधी जी ऐसे सद्भावना के प्रतीक थे, वो प्रेमावतार थे, करुणावतार थे। एक तरफ इरविन गांधी इरविन समझौता में जो जा करके वहां बेबाक बोल सकते थे, तो दूसरी तरफ उनका हृदय एक बकरी के घुटने की दर्द के लिए धड़कता था। वो उतनी प्यार से सहला करके उस बकरी के घुटने पर मिट्टी का लेप करते थे। तो वो महामानव थे, तो समस्त संसार के लिए उसके प्रति मन में प्रेम था। वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, और हमारे धर्म ने हिंसा परमो धर्म का उद्घोष किया है कि हिंसा परमो धर्म, सत्य न दूसरा धर्म न दूसरा, सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना, ये हमारे धर्मों ने उद्घोष किया है। गांधी जी इसी सिद्धांत के दीदे थे। वो कहते थे कि परित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं जमाई, जो रामचरित मानस में लिखा है। सत्य के वो उद्घोष करने वाले थे कि इस संसार में चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी आगे बढ़ ले, लेकिन आध्यात्मिक बल से अधिक बल कुछ नहीं होता। हमें अपने बात को सारे विश्व को मनवाना है तो उसके लिए आध्यात्मिक बल को जागृत करना होगा, समाज को एक मॉरल शिक्षा देनी होगी। आज हमारे जो बच्चे पैदा होते ही छोटे से उम्र में विभिन्न प्रकार के इन अभी जो आधुनिक यंत्र आ रहे हैं उसके संगति में आकर के बिगड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को हमको शिक्षा देना है तो उनकी बुनियादी शिक्षा को, उनकी बागवानी शिक्षा को, शारीरिक श्रम की शिक्षा को, और उनके जो सिद्धांत है, हमारे देश में कहा जाता है कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम नौकरी भीख निदान। खेती को उत्तम माना गया था, किसान को उच्च माना गया था, और वह किसान किसान जब खेत में जाता था तो उसका हिस्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर हल और बैल के साथ जो मेहनत करता था, और जो पसीने की बूंद गिरती थी, और उससे जो भारत माता के सबसे श्यामला भूमि में जो उपज पैदा होता था, भारत सोने की चिड़िया थी। लेकिन विदेशियों ने हमारे किसानों को कमजोर कर दिया, अपने हमारे कारीगरों को समाप्त कर दिया, हमारे आत्मसम्मान को समाप्त कर दिया, हमारे जितने संसाधन थे उसको खत्म कर दिया। गांधी जी कहते थे कि हमको उसी जीवन पर लौटना होगा, उसी किसान पर गर्व करना होगा, उस दिनहीन किसान को, उस भूखे नंगे किसान को। हम गांधी जी के जीवन यात्रा में देखते हैं कि वो 1869 में उनका जन्म हुआ, फिर वो 13-14 साल के हुए तो इंग्लैंड पढ़ने चले गए। वहां वो पढ़े, वहां से वो जब देश लौटे वकील बन करके, बैरिस्टर बन करके, तो उनको दक्षिण में जाना पड़ा उस केस के सिलसिले में। लेकिन दक्षिण के यात्रा ने उसकी जीवन यात्रा बदल दी। जैसे वो यात्रा में निकले और उनके साथ रास्ते में जो दुर्व्यवहार हुआ, और तब उनको समझ में आया कि नस्ल भेद क्या होता है, मानव मानव के प्रति भेद क्या होता है। और दक्षिण पूरे यात्रा में उन्होंने जो नेटाल और प्रिटोरिया का यात्रा किया, और सैनिक आश्रम में उन्होंने सत्य के आग्रह के लिए जो आंदोलन किया, जो प्रयास किया, और काला और गोरा के भेद को समझाने के लिए गांधी जी को जो सत्याग्रह करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि पगड़ी लगाने के लड़ाई को उन्होंने आधार मान करके जो अपने भारतीयों को उन्होंने आदर और सम्मान पूरे विश्व में दिलवाया, सचमुच में गांधी जी उस दिन महात्मा की पदवी पाने के लायक हो गए थे। और फिर जब वो भारत लौट करके आए और उस समय भारत की दुर्दशा को उन्होंने देखा, दीनहीन गरीब भारत, गुलामों की को गुलामी को झेलता हुआ भारत, और अशिक्षित और दरिद्र भारत, और उसी समय चंपारण आंदोलन चला, और चंपारण आंदोलन में गांधी जी को बुलाया गया नीलगिरी की खेती के विद्रोह को लेकर के। और जब गांधी जी भारत यात्रा के लिए निकले और उन्हें भारत माता की दुर्दशा को देखा, और भारतेंदु हरिश्चंद के भारत दुर्दशा नाटक को भी देखे थे, उन्होंने जब जाके पूरे भारत का भ्रमण किया और देखा कि मेरा भारत भूखा भारत, नंगा भारत, जहां बच्चों के शरीर पे कपड़ा नहीं है, माताओं को तन भर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, और पेट भर भरने के लिए भोजन नहीं है, उनका करुणा विगले हृदय
व्याकुल हो उठा, वो रो पड़े। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं तन भर कपड़ा नहीं पहनूंगा और पेट भर भोजन नहीं करूंगा, और सारे जीवन को उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपना अर्पित कर दिया और प्रयास करते रहे। फिर असहयोग आंदोलन चलाए, पूरे उन्होंने असहयोग हिंसा के आधार पर चलाया, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और बड़े खुशी की बात है कि कैसे भी हो गांधी जी के जीवन काल में ही भारत माता राजनीतिक गुलामी से मुक्त हो गई, भारत का अपना संविधान बना, भारत का तिरंगा झंडा फहराया। लेकिन गांधी जी के जो विचार थे उस विचार को हम लागू नहीं कर पाए। आज भी गांधी जी का विचार हमारा इंतजार कर रहा है कि हम कैसे उनके ये जो एकादश की बात है, या सत्य हिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य स्वाद अभय और नैतिक शिक्षा और शारीरिक संघ, सबको हम कैसे लागू करें। लेकिन अभी भी हम अंग्रेजी शिक्षा के गुलाम हैं, अभी भी हम केवल पश्चिम सभ्यता के गुलाम बनते जा रहे हैं। आज कोरोना काल चल रहा है, कठिन काल से मानवता गुजर रही है, लोग के पास प्राण रक्षा का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, और कोरोना की इलाज के लिए की बात कही जा रही है कि हम सामाजिक दूरी बनाए, स्वच्छता को अपनाएं, हाथ पैर मुंह को स्वच्छ रखें, और तभी हम अपने बचा सकते हैं। गांधी जी यही तो शिक्षा देते थे कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें, हम बीमारियों से घृणा करें, बीमार से नहीं, हम कुष्ठ रोगियों से घृणा नहीं करेंगे, कुष्ठ बीमारी से करेंगे, और हम अपनी सेवा के द्वारा, अपनी सौहार्द्रता के द्वारा और स्वच्छता की शिक्षा दे करके हम अपने हाथ पैर को साफ कर करके हम अपने जेब की रक्षा कर सकते हैं। पश्चिम सभ्यता हमको जिस समय अंग्रेज से सिखाते थे कि जिस भारत में 4 बजे उठ करके मुर्गा बांग देता है और राम लक्ष्मण गुरु की आज्ञा लेकर के फुलवारी घूमने चले जाते हैं, उस देश में बच्चे 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो के उठ रहे हैं और उठ करके बिस्तर में बैठे ही वो चाय पी रहे हैं, और फिर चले गए घूम के आते हैं तो जूता निकाल कर डाइनिंग टेबल पर आ रहे हैं। इससे कोरोना 10 गुना बढ़ेगा। और यदि हम अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता पे लौटते हैं, प्रातः काल उठते हैं, हाथ पैर धो करके साफ करके नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके हम प्रभु के ध्यान में लगते हैं और एक दूसरे को अपनी सेवा के द्वारा सौहार्द्रता के द्वारा संभालते हैं, तो हमारा ये बीमारी भी जाएगा और हमारी मानवीय सभ्यता की रक्षा भी होगी और गांधी जी के सिद्धांत का भी रक्षा होगा। एक मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बताए अहिंसा के लिए कि गरुण पुराण के एक उदाहरण दिया कि एक राजा थे, एक राजा के राज्य में बहुत संपन्नता थी, राजा प्रसन्न थे, लेकिन अचानक अकाल पड़ गया और राजा बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, अपने मंत्री परिषद को सबको बुलाया और बोले कि सकाल की आप कोई उपाय बताइए। प्रधानमंत्री बोला कि महाराज 3 महीना की बात है, फसल आ जाएगी, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जितने हमारे पास पशुधन है पशुओं को मार डालते हैं और पशु के मांस से जनजीवन की रक्षा हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया, तब एक मंत्री जो चुपचाप बैठा हुआ था उठ करके खड़ा हुआ, निवेदन किया कि महाराज मैं कहता हूं कि मुझको 1 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा और आप हमारे पशुधन को मत मारिए, क्योंकि बगैर पशुधन के मानव जीवन असंभव और अकल्पनीय है। राजा ने कहा देख लेते हैं। फिर वो जो मंत्री था जो सीधा साधा जिन्होंने जवाब दिया था निकल गया। रात हो गई, अब रात का जब 12 बजा तो एक पेटी अशर्फी लेकर के वह मंत्री प्रधानमंत्री के आंगन में पहुंचा, खटखटाए आवाज लगाया, प्रधानमंत्री निकला, बोले क्या बात है, बोले राजा के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया है और इसका तो प्रधानमंत्री बोले क्या उपाय है, बोले सारे वैद्य थक चुके हैं, यदि उनका भी इलाज नहीं होगा तो उनकी मृत्यु हो सकती है, तो इसका एक ही उपाय है, मैं पूछता हूँ तो कि यदि प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री अपना सिर काट के दे दे तो उस खून से राजा के पेट का इलाज हो सकता है। प्रधानमंत्री डर गया, बोला नहीं भाई आप मेरा नाम मत लीजिए, मैं नहीं दे सकता। तो बोले आप राजा की जान के लिए नहीं दे सकते तो अपने घर में 10 अशर्फी 10 पेटी अशर्फी लगा रखा था, उसको लाकर मंत्री को दे दिया, बोला भाई तुम मत बताना कि मेरे घर गया था।
अब रात भर ये सिलसिला मंत्री ने दोहराया, दूसरे तीसरे चौथे और पूरे मंत्रिपरिषद के 20 सदस्यों के पास हो गया और यही बात दोहराया कि राजा बीमार है और राजा को यदि आप अपना सिर काट कर खून दे देंगे तो राजा ठीक हो सकते हैं। और सभी ने 5-5 असरफी पेटी असरफी उसको घूस के रूप में देख करके ये सोचा कि मेरा नाम नहीं आएगा, कट जाएगा। सुबह हुआ 11 बजे राज्यसभा शुरू हुआ, राजा अपने सभा पर आए, सभी मंत्री राजा को देखकर परेशान थे और तब राजा ने कहा कि क्यों क्या बात है। तब वो जो मंत्री चुपचाप बैठा था जिन्होंने एक रात की मोहलत मांगी थी, 100 पेटी असरफी राज सभा में ला के रखवाया। राजा बोले ये क्या बात है भाई। बोले सुनिए महाराज, आपके जो जितने मंत्री हैं इन्होंने आपको अकाल से बचने के लिए पशुधन को मारने की उसकी हत्या करने की बात कही थी और मैं एक रात का मोहलत मांगा था। मैं गया और इन सभी मंत्रियों के घर में गया और एक ही बात बोला कि हमारे महाराज बीमार है, उसके इलाज के लिए जब अपने सिर काट कर खून दे देंगे तो ठीक हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने प्राण की रक्षा के लिए इतना सब घुस दिया है। तो ये आपका जो राज घराने की जो धन है इसको उन्होंने दबा के रखा, इतना धन है और मैं आपको सलाह देता हूँ कि धन के सहारे से आपका काल पैदा होने वाले जो फल फूल है उसको आप लगाइए, जो 1 महीना में 2 महीना में 3 महीना में आप पौधा लगाएंगे फसल होगा और उस 3 महीना के अंतर्गत ये सारे धन से आप लोगों की रक्षा कर सकते हैं और फिर हमारी सबसे श्यामला भूमि धन उगलने लगेगी। राजा ने उसको अपने प्रधानमंत्री बनाया, सभी अपने और 20 मंत्रियों को दंडित किया और 3 महीने बाद में और उस पैसा के सहारा से राजा का राज्य बच गया, प्रजा भुखमरी से बच गई और एक अच्छा जीवन लोगों ने जिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनो और युधिष्ठिर, इस समाज में ईश्वर ने सबको जीने का समान अधिकार दिया है, जीने का समान अवसर एक चींटी से लेकर के हाथी तक के और एक पत्थर से लेकर के वृक्ष तक के, जब ईश्वर ने परमात्मा ने सृष्टि को रचा तो उन्होंने सबसे पहले चट्टान पहाड़ पर्वत नदियां बनाया लोगों के लिए, फिर उन्होंने वनस्पति बनाया, फिर उन्होंने जलचर थलचर नवचर प्राणी बनाया और सबसे लास्ट में मनुष्य की रचना किया। तो आज हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि अपने हित के लिए हम जीव जंतुओं को मार रहे हैं, हम वनस्पतियों को खत्म कर रहे हैं, पेड़ पौधा को खा रहे हैं, पर्वत और नदियां को खराब कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी हिंसा है। इसी हिंसा के खिलाफ गांधी जी अपना सिद्धांत देते कि अहिंसा की बात करते थे और गांधी जी की जो हिंसा है कायरों का हथियार नहीं हो सकता, वो बहादुरों का हथियार था। इसीलिए गांधी जी ने भगवान कृष्ण के गीता के सिद्धांत को लिया। भगवान कृष्ण ने जितने हमारे 18 पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे धर्म शास्त्र हैं, हमारे वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इस सब के सार को लेकर के एक नई मानव सभ्यता की परिकल्पना किया। और इसलिए मैं कहती हूँ कि गांधी जी सर्वभूत हिते रता थे, गांधी जी महामानव थे और गांधी जी हमारे सभ्यता के रक्षक थे। और जब तक कि ये धरती रहेगा, जब तक विश्व रहेगा, जब तक ज्ञान रहेगा, कोई गांधी बात को, गांधी के सिद्धांत को और गांधी जी के व्यक्तित्व को भूल नहीं सकेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि बहुत समय बाद जब लोगों को पता चलेगा तो आश्चर्य होगा कि एक हाड़ मांस के शरीर में इतना ज्ञान कहाँ से आया। और मैं गांधी जी के चरणों में, गांधी का परम उदार हृदय उस बर बच्चा को सह न सका, भाई भाई का नाश करे या देख शांति से रह न सका, इस नवाखाली आंदोलन के समय में उनके त्याग को याद करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद जय भारत।
हाँ ऋचा जी, मेरी आवाज आ रही है? और अच्छी बात, सारे जो अतिथिगण हैं जुड़ गए हैं? अच्छी बात है। आज 3 अक्टूबर को हम व्यस्तता के कारण अतिथियों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती के अवसर पर महाविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्री प्रकाश त्रिपाठी, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि श्री टी आर प्रभु जी अध्यक्ष महात्मा गांधी सेवा ग्राम वर्धा, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री शैलेश पांडे जी, हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ सदस्य एवं मार्गदर्शक श्री राजकुमार अग्रवाल जी, साथ ही हमारे महाविद्यालय के सम्मानी प्राचार्य श्रीमती अंजू शुक्ला मैडम एवं इस वेबिनार में जुड़े समस्त प्राध्यापकगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं, महाविद्यालय का इतिहास रहा है। हमारे परिसर में विद्वानों का समागम की परंपरा रही है। मुझे गर्व है कि हम 50वां वर्ष पूरा कर चुके हैं। साथ ही महाविद्यालय में 4,500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। हम उनकी और उत्कृष्ट सेवा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। महाविद्यालय को नेक द्वारा ए ग्रेड से संवारा गया है। आने वाले वर्षों में भी और बेहतर प्रदर्शन की हमारे महाविद्यालय में प्रेरणा रही है। आज गांधी जी के दर्शन पर आयोजित इस आख्यान में मैं सभी विद्वानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। हाँ मैडम, हाँ मेरा हो गया। आवाज आ रही है? आज के महात्मा गांधी जी के 150 वर्ष पूरे होने के बाद पूरे देश में जो महात्मा गांधी 150 की जयंती का जो उत्सव मनाया जा रहा था, जो कार्यक्रम रखे गए थे, उसका एक वेलेडिक्शन मतलब विदाई समापन समारोह जैसा हम इस 2 अक्टूबर को मना रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच इंदिरा गांधी कृषि जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के श्री प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री टी आर प्रभु जी जो वर्धा गांधी आश्रम के अध्यक्ष हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री शैलेश पांडे जी, हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री अनुराग शुक्ला जी, प्राचार्य आदरणीय श्रीमती अंजू शुक्ला मैडम और सभी संचालन कर रही मैडम ऋचा हांडा मैडम, सभी सक्रिय हमारे गौरवान अध्यापक एवं छात्र छात्राएं। वस्तुतः महात्मा यह बड़ा विशिष्ट विषय है कि हम जब भी गांधी जी को देखते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं या दलित उत्थान के रूप में देखते हैं
कभी उनके नारियों के सम्मान के रूप में देखते हैं या कभी मद्य निषेध के रूप में देखते हैं, कभी उनके स्वच्छता के प्रति समर्पण को देखते हैं या कभी उनकी कुष्ठ रोगियों के प्रति या किसी भी दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा को देखते हैं। और इन विभिन्न अंगों को देखते हुए हम अक्सर उनके विश्व राजनीति पर पड़ रहे प्रभाव, सॉरी ये खत्म हो गया, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया तुमने, तो विश्व की मानव सभ्यता पर पड़ रहे गांधी जी के प्रभाव और उसके मूल तत्वों का वस्तुतः देखा जाए तो सही प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक वर्ष जो हमने पूरे देश में महात्मा गांधी का 150 ईयर्स मनाया, अभी इसको एक्सटेंड करके एक साल या दो साल बढ़ा देना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी इसे प्रसारित करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानव सभ्यता पे उनके वस्तुतः जो मूल गुण हैं, मूल चरित्र हैं, हिंदुस्तान का गांधी जी वही है जो भारत है, भारत की जो प्राचीन सभ्यता जो कहती है, हमारा जो धर्म और शास्त्र और अध्यात्म जो कहता है, और वह पूरी मानव सभ्यता का ही शास्त्र, मानव सभ्यता का ही अध्यात्म और शास्त्र है, वह जो कहता है उसका ही क्रियाशील रूप गांधी है। हमें विभिन्न रूपों में उनको जब हम देखते हैं तो उसके मूल गुण हम देखते हैं गांधी के क्या हैं। गांधी वस्तुतः उनके ऊपर हम देखते हैं कि सबसे पहले उनके जीवन पे जब वे युवा थे तो वह एक हरिश्चंद्र भारतेंदु श्री राजा हरिश्चंद्र के ऊपर एक नाटक था, उसको देखने जब गए तो उनके ऊपर उनका गहरा प्रभाव पड़ा कि यह सत्य के लिए कितना ज्यादा निष्ठा कैसे हो सकती है किसी व्यक्ति में, वह अपने परिवार और अपने पुत्र के शव को भी देख करके अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता, क्या ऐसा संभव है। वे कई दिन तक उसी उधेड़ बुन में रहे, ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। और उसके बाद उसका असर तो उन पर तत्काल ही पड़ गया था, जैसे हम उनके उसमें देख सकते हैं उनके बचपन में जब उन्होंने नकल करने से इनकार कर दिया, भले ही वे बहुत ही अधिक अंक पाने वाले छात्र नहीं थे पर जब उनके शिक्षक ने प्रेरित किया कि आप इसको केटल की स्पेलिंग देख करके इधर लिख दो ये ठीक वाली, तो उन्होंने देख करके भी उसको सही करने से इनकार कर दिया था, तो ये गुण उनमें बचपन से विकसित हो गया था। उसके बाद उनपे हम लोग उनकी पीटर मैरिट्सबर्ग की घटना का बड़ा उल्लेख करते हैं कि जब उनको ढकेला गया था वहां पर दक्षिण अफ्रीका में, वस्तुतः वह तो एक घटना थी, वो उससे प्रभावित नहीं हुए थे, उनके मन में सत्य के प्रति निष्ठा और मानव के कल्याण के लिए क्या हमें किन तत्वों की आवश्यकता है यह जिज्ञासा निरंतर बनी हुई थी। वह एक घटना उनके उत्प्रेरक के रूप में उत्पन्न हुई, वे सोचे कि ये क्या बात है कि हमारे प्रति रंग भेद और ये मानवता के बीच में पक्षपात क्यों उत्पन्न होता है, हम ईश्वर के सभी प्राणी हैं, उनके बीच आपस में हम किस तरह का संबंध होना चाहिए। और इसके पीछे उनको बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा टॉल्स्टॉय के साहित्य से, जो विश्व शांति का एक बहुत बड़ा उद्घोष था, और उससे ज्यादा सबसे अधिक उनमें परिवर्तन आया था जब वे वहां से दक्षिण अफ्रीका की एक ट्रेन यात्रा में बैठे और उनके मित्र जो उनको छोड़ने आए उन्होंने जॉन रस्किन की किताब ऑन टू दिस लास्ट उनको दी, तो वे ट्रेन में बैठे बैठे उसको पूरी तरह से इतने रम गए कि उन्होंने पूरी किताब रात भर में जाग करके उसको पढ़ा और खत्म कर दिया, और उनके जीवन पर उसका अद्वितीय असर पड़ा कि हम किस दिशा में मनुष्यता को जाना चाहिए। हम जब भी गांधी को देखते हैं और उनके दर्शन को देखते हैं तो उनके कामों पर तो हमें देखना ही है कि भाई उन्होंने दांडी यात्रा की, उन्होंने चंपारण में नील सत्याग्रह किया, किसानों को उठाया, पर ये घटनाएं हैं। उसका मूल तत्व जो विश्वव्यापी मानव सभ्यता पे पड़ता है वह इन सब के पीछे उनकी कौन सी प्रेरक शक्तियां हैं, उनके कौन से दर्शन हैं, कौन सी सोच है, तो हम देखते हैं कि गांधी करीब करीब बुद्ध के एक क्रियाशील व्यक्तित्व थे। बुद्ध ने जैसे मानवता को अहिंसा और धर्म की प्रेरणा और सभी चीजों का संदेश दिया, लेकिन
एक आध्यात्मिक रूप से एक शिक्षक के तौर पे, और उनका व्यक्ति का निजी व्यक्तित्व में क्रियाशील उन्होंने प्रभावित किया, तो जिससे सभी देशों में जहां भी वो गया वो प्रसारित होता रहा। और एकमात्र धर्म विश्व का अभी भी, उसे धर्म कहना ठीक नहीं है, बुद्धिज्म है, वह आज भी एकमात्र धर्म है जिसके प्रति लोगों की निष्ठा बढ़ रही है निरंतर, लोग उसके ओर आकर्षित हो रहे हैं उस दर्शन के प्रति। और वह जो आकर्षण है वह स्वाभाविक आकर्षण है, और वही आकर्षण गांधी के प्रति भी संभव है, क्योंकि गांधी बुद्ध के सामाजिक व्यक्ति के रूप में, सामाजिक राजनीतिक रूप से क्रियाशील व्यक्ति के रूप में, उन गुणों को हम जब तक हम किसी चीज के प्रभाव में ना आए, क्रियाशील ना हो, तो वह निजी गुण हमारा हो जाता है, लेकिन हम जब उसको क्रियाशील करते हैं तो वह सामाजिक गुण हो जाता है और समाज के लिए उसको समर्पित करते हैं। तो एक क्रियाशील बुद्ध के रूप में ही हम गांधी को देखते हैं कि उनके पीछे यही प्रेरक शक्तियां रही हैं, और उसके बाद उनके विचार, उनकी दिशाएं इन सब कामों से निश्चित हुई हैं। और विश्व इतिहास में, विश्व की सभ्यता में गांधी बनना हम अक्सर कह देते हैं कठिन है, परंतु गांधी के बने बिना रहना भी असंभव है, कठिन ही नहीं। जब तक मानव सभ्यता गांधी को नहीं अपनाएगी, मानव सभ्यता आगे बढ़ ही नहीं सकती, कोई भी सभ्यता का विकास संभव ही नहीं है। और विश्व में विश्व बंधुत्व, एकात्मता और सहयोग की भावना, यह बिल्कुल असंभव है। अब यह आता है कि ऐसा कहने के पीछे आधार क्या है, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि ऐसा गांधी के प्रति हम क्या उन पर आरोपित कर रहे हैं कोई महानता का रूप। महानता तो वो कतई नहीं होना चाहिए, वो एक इंसान थे और इंसान के रूप में ही उनका गुण और गुण की चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम देवत्व या उनके प्रति बड़े बड़े महामानव की कल्पना करते हैं तो उनकी कोई भी छोटी छोटी त्रुटियों की जो हमारी समझ में आलोचनाएं होती उनको करके हम उनको निसर करते हैं और उनके मूल संदेशों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखें कि गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम रखा सत्य के प्रयोग, तो सत्य के प्रयोग क्यों रखा उन्होंने? वे कही कह सकते थे अहिंसा है, कही सकते थे कि मेरा प्रेम का प्रयोग है, वो कह सकते थे दयालुता का प्रयोग है, कह सकते थे और कुछ है, लेकिन उन्होंने लिखा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब ऐसा कोई व्यक्तित्व तो दुनिया में अगर हमें देखना है जिसके विचारों और कर्म में कहीं विपरीत भाव नहीं है, कहीं पर विसंगति नहीं है, तो यह कहने का साहस बहुत ही क्षणिक लोग ही कर पाएंगे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। प्रायः व्यक्तियों के संदेश अलग होते हैं और उनके जीवन में विसंगतियां होती हैं जिसे हम निजी जीवन उनका कह करके उसे अनदेखा करते हैं। तो ऐसा कोई महामानव ही बड़े बड़े विश्व का कर सकता है, और उसके पीछे उनका नाम रखना सत्य के प्रयोग, मतलब उनका सत्य क्या है। अब ये बात उठती है तो उनकी आध्यात्मिक मूल प्रवृत्ति की ओर हम जाते हैं कि सत्य क्या है। उन्होंने पीजी मैथ्यू को एक पत्र लिखा था जिसमें लिखा था कि मेरा सत्य अर्थात सत्य, जिसका अर्थ है, यह है जो है, ये बुद्ध का भी शब्द है, बुद्ध शब्द करते हैं बीइंग, जो हो रहा है, बीइंग मींस जो है, जो एकमात्र सत्य है। हम गांधी को कहीं राम भक्त के रूप में देखते हैं, ऐसा नहीं, वे कभी मंदिर भी नहीं जाते थे, आस्था और अनास्था उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता था, वो उनके लिए रखता था कि जो इस जो कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है, और कभी उन्होंने उसको पलट के कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है। तो यह कौन सा ईश्वर है, उन्होंने स्पष्ट कई बार कहा है कि ईश्वर जो है वह कोई व्यक्ति के रूप में मैं कभी कल्पना नहीं करता उसकी किसी साकार रूप में, मुझे एक क्षीण अनुभूति होती है। उन्होंने एक जगह लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि जहां मेरे चारों ओर मौजूद सभी चीजें निरंतर परिवर्तनशील हैं। यह देखिए फिर बुद्ध के जो चार थॉट्स हैं, फोर नोबल थॉट्स, उनसे मिलता हुआ है कि उन्होंने लिखा कि विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर हमारी मृत्यु होती है और निरंतर हम लोग जन्म को प्राप्त करते हैं। तो मेरे चारों ओर निरंतर परिवर्तनशील है और यह निरंतर नाशवान है, हर क्षण नाश होता है, हर चीज का हर क्षण विनष्ट होते रहती है। तो यहाँ इन परिवर्तनों के पीछे एक जीवंत शक्ति है, यह इनके मूल तत्व है जो कि परिवर्तन रहित है और इन सबको धारण करती है जो शक्ति है, और वह सृष्टि और उनको सृष्टि करती है और संहार करती है और पुनः सृजन करती है,
सबको अनुप्राणित करने वाली यह शक्ति ही मेरी आत्मा या ईश्वर है। यह बिल्कुल हमारे शास्त्रों के, चाहे अष्टावक्र गीता हो या गीता में कृष्ण का उपदेश हो, या चाहे विश्व में कहीं के भी हम देखते हैं जो दर्शन के विकास की ओर जाते हैं, तो इसी ओर जा रहे हैं, जिसको बढ़ाने में गांधी जी के लिए ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और जब हम इन, ईश्वर का अर्थ है अस्तित्व का नियम, ईश्वर क्या है जिसे हम मानते हैं, वह कोई साकार या छोटी रूप नहीं है जिसे हम अपनी सीमा से मान लेते हैं। ईश्वर का मूल नियम ही ईश्वर, प्रकृति का मूल नियम ही ईश्वर है। अब वह प्रकृति का मूल नियम क्या है, यह बड़ी बड़ी बात होती है। तो हम अपने स्वाभाविक कर्म में देखते हैं तो जो हमारी प्रकृति है वह अहिंसा के साथ ही चलती है, उसका करुणा या प्रेम यह उसके साक्षात रूप है। तो जब हम देखते हैं कि धारे तिथि धर्म, जिसको हम धारण कर सकें वह धर्म है, तो गांधी का धर्म था कि हमारे यहाँ धारण योग्य हम जब कोई चीज है जो व्यक्ति को शांति दे सकती है, मोक्ष कर सकती है, उन्नति दे सकती है, तो वह यह है कि हमारी, हम प्रकृति के अधिक से अधिक नजदीक जाएं, हमारे प्राकृतिक रूप से जो हमारा धर्म है उसको पाएं। यह बड़ी कठिन बात होती है, लेकिन इसी के हम साकार रूप में जब देख सकते हैं तो हम उसको देखते हैं कि जब हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप ही, अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए प्रेममय हो जाते हैं। ईश्वर की सभी रचनाओं के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति नहीं बल्कि सारी सृष्टि के प्रति हम प्रेममय होते हैं। यह गांधी का दर्शन, चाहे वह वनस्पति हो चाहे वह जानवर हो। जब मैं मेक्सिको गया तो एक छोटे से वीगन रेस्टोरेंट में मैं ये देख करके, स्पेनिश में लिखा हुआ था कि गांधी का कोटेशन, जो मैंने तब तक नहीं देखा था, जब पहली बार वहीं देखा कि किसी भी समाज की सभ्यता का पैमाना यह है कि वह अपने जानवरों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। मनुष्यों के साथ तो छोड़ दीजिए, जानवरों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। अगर हमारे पशु धन, पशु बल, पशुओं के साथ हम मानवता का व्यवहार करते हैं, करुणा का व्यवहार करते हैं, मनुष्यों के साथ तो करेंगे ही, वह सृष्टि के साथ भी करेंगे। इतना विशाल उनका दर्शन है, और उस दर्शन को प्रेरणा, उस उपदेश के पीछे जो दर्शन है उसकी प्रेरणा ही विश्व के मानव सभ्यता के कल्याण का आधार है। चारों ओर आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी चर्चा कभी होती है। हम अक्सर छोटे रूप में कह देते हैं कि गांधी की हत्या गोडसे ने की, फलाना ने की, इससे मैं कभी चिंतित नहीं होता। कई बार गांधी की आलोचना जो करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी उनको अंग्रेजों का एजेंट कहा, आज वो गांधीवाद को लेकर के भी चल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसके बिना हिंदुस्तान में हमारा व्यापक आधार होना जरूरी नहीं है, बड़ा कठिन है, तो हम गांधीवाद को एक हथियार के रूप में अपना लें। वस्तुतः वो सब गांधीवादी नहीं होते हैं। हमें मूल रूप से, व्यक्तिगत रूप से उनके दर्शन को देखना है, और जो दर्शन गांधी को प्रेरित कर सकता है इतनी कठिन स्थितियों में, वह जो है वही सार्वभौमिक है और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बड़े आवश्यक है। हमें जब उस दर्शन के बाद, जब सामान्य रूप से सामान्य मनुष्य को जब हम आते हैं तो देखते हैं कि गांधी ने जितने भी हमारी विधियां, जितने भी क्षेत्र हैं, सब में अपने बहुत ही परिपूर्ण संदेश दिए हैं। स्वच्छता के लिए गांधी का चश्मा आज हमारा चिन्ह है, परंतु गांधी और स्वच्छता का क्या लेन देन? हम तो कहते हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष सेनानी थे, वो किसी भी तरह से ऐसा करते, पर ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम तो उनका बहुत छोटा काम था, वो मानव मात्र को स्वतंत्र कराना चाह रहे थे। भारत को स्वतंत्र कराना उनका तो छोटा उद्देश्य हुआ, क्योंकि मेरे सामने कोई कर्तव्य है कि एक बीमार है उसको मैं दवाई दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस बीमार के प्रति, उसका अर्थ यह है कि मैं पूरे मानवता में जहां पे भी जो बीमार है उसको देने के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में है। वो तो मानवता को आजाद कराना चाह रहे थे, इसीलिए भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले देखा यात्रा के समय कि एक महिला बहुत ही कम कपड़ों में बैठी हुई है और उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं है, तो उन्होंने आत्मावलोकन किया, लगा कि मैं इतने कपड़े, वो काठियावाड़ी कपड़े पहनते थे, काफी कपड़े उसमें लगते थे, तो उन्होंने लगा कि अरे
ये क्या है, तो उन्होंने अपना कपड़ा उतार करके उसको दे दिया था कि तुम अपना शरीर ढांक लो, और फिर उन्होंने कहा कि मैं जब तक पूरे भारतीयों के पास कपड़े नहीं होते तो मैं भी एक लंगोटी ही पहनूंगा, उससे अधिक नहीं पहनूंगा, जब तक भारतीयों के शरीर पर कपड़े नहीं होते। तो उन्होंने कपड़ों का त्याग नहीं किया, उनको उन कपड़ों से विस्तृष्णा हुई कि जब मानवता नंगी है तो मैं कैसे इतने ज्यादा कपड़ों का उपयोग कर सकता हूँ। ये उनके दर्शन का क्रियाशील रूप था, और वे आजीवन उसी लंगोटी में ही रहे, चाहे वो ब्रिटेन के महारानी से मिलना हो, चाहे वो उनको गोल में सम्मेलन में जाना हो, चाहे जो आंदोलन करना हो। और यह उनका जो अधनंगा शरीर है, यही देखा जाए तो एक तरह से उनके दर्शन को भी अभिव्यक्त करता है कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हर चीज मेरी ट्रांसपेरेंट है, हर चीज मेरी देखी जा सकती है। वो हम देखते हैं कि उनके जीवन में प्रेम जो हम कहते हैं और अहिंसा, ये वस्तुतः एक ही चीज है, और सही अर्थों में देखा जाए तो सत्य जो है, झूठ जो है, झूठ बोलना भी एक तरह की हिंसा ही है। हम एक तरह से किसी के प्रति झूठ बोल करके मानसिक रूप से उसकी हिंसा करते हैं, इसीलिए हमें सत्य के प्रयोग का जो उनका अर्थ है यही है कि हम जब सत्यवान होते हैं तो हमें अपने आप ही विपरीत भाव, किसी भी तरह का पक्षपात, किसी तरह का लिंग भेद, किसी तरह का रंग भेद, हम और किसी तरह का पर्यावरण को क्षति, हम इससे विनष्ट कर देते हैं। संगठनों के लिए महात्मा गांधी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि कोई भी संगठन, जब वो अफ्रीका में थे और वहाँ पे विभिन्न संगठन का चला रहे थे तो उसका एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, और कहते थे कि किसी भी हिसाब किताब की स्वच्छता किसी भी संगठन को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने में सक्षम होती है, और उसके बिना नहीं तो संगठन का आधार गिर जाएगा। तो आज हम विभिन्न संस्थाओं को जो गिरते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे देखते हैं कि इन नियमों का जो उत्खनन करना है, इन नियमों को जो है, जब वो संगठन अपने के व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और किसी तरह का आर्थिक या अन्य तरह का शोषण उसमें करते हैं तो वे संगठन कमजोर होते जाते हैं। जो सामाजिक दलित, अगर गांधी जी को हम हिंदुस्तान के रूप में देखें, और वही बात देखिए, आज एक ही व्यक्ति है दुनिया में जिसकी प्रेरणा से दूसरे देशों में सभी क्रांति हुई है, क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो। इसके पहले अगर कोई हम कहें कि कोई वैचारिक क्रांति हुई तो वामपंथ को लेकर हुई कि भाई कम्युनिज्म और रूस में आया तो पूरे आधी दुनिया में छा गया था, परंतु हम तत्काल देखते हैं कि वह 40-50 साल होते होते वह संगठित वे शक्तियां या तो तानाशाही में बदल गई या फिर राजाशाही में बदल गई। उसका एकमात्र रूप आज हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया में वो तानाशाह बन गए हैं किम जोंग उन, और चीन में वो है जो है एक पार्टी का शासन बन करके करीब करीब तानाशाह की भूमिका में आ चुके हैं, और बाकी देश विसंगतियों में टूट गए हैं और गरीबी और महामारी से ग्रसित हो गए हैं, और आज उनकी उन्नति और शांति का कहीं पता नहीं है। परंतु जो गांधी के दर्शन से प्रेरित नेल्सन मंडेला का दक्षिण अफ्रीका का है जो आंदोलन है, चाहे मार्टिन लूथर किंग का रंग भेद के विरोध में अमेरिका के आंदोलन है, वे निरंतर विकसित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब तथ्यों से संक्षेप में यह प्रमाणित होता है कि गांधी का दर्शन विश्व के लिए, मानव सभ्यता के लिए एकमात्र कल्याण का माध्यम है, और इसको विश्वव्यापी करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे सौभाग्य से हमारी धरती पर पैदा हुए हैं, परंतु वे हमारी संपदा नहीं है, वे मानव समुदाय की संपदा है, और उन्हें हमें मानव समुदाय को ही सौंपना है। सिर्फ हमारा कर्तव्य है कि हम उसको मानव समुदाय तक पहुंचाएं। मैं अपना इस तरह से उद्बोधन आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप सब ने मुझे बोलने का मौका दिया, अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you.
10 मिनट का हो गया। नहीं तैयारी नहीं किया था थोड़ी सी, अभी बाद में देखा था, अभी अभी देखा 15-20 मिनट से। हेलो रिचर्ड, आ रही हूँ। हेलो हेलो आवाज, हेलो आ रही है रिचा मैडम, आवाज आ रही है, आ रही है ना। हाँ चालू करूं? तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी तारी दर्शन पर उत्कृष्ट सारगर्भित वक्तव्य अत्यंत प्रशंसनीय व अनुकरणीय है। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में हमारे महाविद्यालय के लिए समय निकालकर हमें गौरवान्वित किया, और मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे युवा ऊर्जावान एवं महाविद्यालय को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने वाले मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री अनुराग शुक्ला जी अध्यक्ष प्रशासन समिति का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा समय समय पर इन कार्यक्रमों में अपने विचार व्यक्त कर हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अति आदरणीय परम श्रद्धेय परामर्शदाता संरक्षक माननीय श्री राजकुमार अग्रवाल जी का उद्बोधन एवं गंभीर विचारधारा जो कि हमें सदा प्रेरणा देती है, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री टीआर प्रभु एवं हमारे नगर विधायक माननीय श्री शैलेश पांडे जी, जो कि किसी कारणवश आज कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, परंतु महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं कि वह सदैव हमारे महाविद्यालय के साथ जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम की ओजस्वी वक्ता एवं विद्वान ज्ञानवान और बड़ी विदुषी वक्ता हमारी प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती अंजू शुक्ला मैडम, जिनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है और ये गांधी दर्शन उनका विषय है जिस पर कि वह इतना ज्यादा अपना बहुत ही सबको प्रेरित प्रेरणा दिया। मैं आप सभी का बार पुनः हृदय से धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली टीम एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाली टीम को सभी को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग दिया। एक बार सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम को सफल करने में सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।